कि जन्नत में सारे लोग अंबिया हैं, नबी हैं, सालिहीन हैं, नेक लोग हैं, हम लोग भी है, कोशिश कर रहे हैं जन्नत पहुंच जाए, क्या सब के सब लोग एक ही लेवल पे होंगे? नहीं, जन्नत में सब के सब एक ही लेवल है? जन्नत सब एक ही टाइप की है या जन्नत में भी लेवल है? बिल्कुल सही जवाब। आपको इस जवाब के लिए एक पेंसिल जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, तो जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। सुना आपने जन्नतुल फिरदौस के बारे में? हाँ, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से दुआ करो तो जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ करो। फइन्नहा आला जन्ना, क्योंकि जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा है। वफौकहु अर्शुर रहमान, उसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर क्या है? अर रहमान का, अल्लाह का अर्श है। व मिन्हु तफज्जरु अनहारुल जन्ना, और उसमें से जन्नत की नहरें निकलती हैं। तो जन्नत की नहरें निकलती वहां से और जाके मिलती है वो समंदर में, जैसे कि हमने देखा। तो मेरे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि जन्नत के अलग अलग मकाम हैं, दर्जे हैं। सबसे आला दर्जे का नाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। अच्छा, आप लोग क्या दुआ करोगे अल्लाह से? दुआ करोगे तो या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर। फिरदौस अता कर, क्या दुआ करेंगे? जन्नतुल फिरदौस अता कर। हाईएस्ट लेवल चाहिए आपको? हाँ हाँ, हाईएस्ट चाहिए। नहीं, सबसे हाई चाहिए कि थोड़ा लो चाहिए? हाई चाहिए, ऊपर ऊपर, इतना हाई चाहिए? हाँ, हाई चाहिए, लो चाहिए आपको? हाई चाहिए एकदम। यस यूसुफ, हाई चाहिए कि नीचे चाहिए? थोड़ा मीडियम मीडियम। हाँ, तो क्या दुआ करना चाहिए? फसलिल फिरदौस। अच्छा, अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, जरा सुनो गौर से। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के जो दो दर्जे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, जरा सुनिए। कुल्लु दर्जतैनि कमा बैन समाइ वल अर्द, हर दर्जे के बीच में जो गैप है ऐसे है जैसे आसमान और जमीन के बीच का गैप। मतलब एक दर्जा है ये थोड़ा सा ऊपर, फ्लोर होता है ना, फ्लोर्स देखा आपने, एक फ्लोर होता है, नेक्स्ट फ्लोर होता है, नेक्स्ट फ्लोर होता है। तो जन्नत के अंदर जो दर्जे होंगे वो कैसे होंगे? एक एक आसमान के। आप ये दर्जे पे हो, अब आपको ऊपर का दर्जा देख रहे हो, जैसे कि आसमान और जमीन के बीच में गैप है, उतना डिफरेंस है एक दर्जे और दूसरे दर्जे में। समझे आप? हाँ, एक और हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है, उसमें आता है, इन्ना अहलल जन्ना यतराउना अहलल गुरफी मिन फौकहिम, जन्नत वाले देखेंगे दूर बहुत खूबसूरत से महल दिखाई देंगे उनको। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे तुम देखते हो कोई दूर बहुत ब्यूटीफुल ब्रिलियंट स्टार, कौकब, कोई बहुत चमकता हुआ सितारा दिखता है ना, जैसे हम सितारे देखते हैं ना, तो ऐसे जन्नत वाले ऊपर के दर्जे के महल देखेंगे। उफ, ये महल, हाँ ऐसे महल देखेंगे। सबके सब सेम लेवल नहीं है, सबके सब सेम लेवल नहीं है, बल्कि वो क्या देखेंगे कि ऊपर के दर्जे का ऐसा मामला है, अरे वो महल दिख रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ईमान वालों के लिए है। हाँ, मतलब ऊपर के दर्जे की आप सब भी कोशिश करिए, ये मत सोचो कि सब ऊपर के दर्जे सिर्फ नबियों के लिए है। हाँ, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। और जिसको पूरा कुरान आएगा वही चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा, जिसे कुरान आएगा वो चढ़ते जाएगा, कितने दर्जे ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चों, ये जन्नत की क्या फजीलत हमें मिल रही है, जन्नत के मकामात हम देख रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा जन्नत के मकामात के ताल्लुक से, कि जन्नत में एक क्या है, फ्लोर में एक आसमान का बीच फर्क है, जमीन और आसमान और फ्लोर में, फ्लोर हमारी बिल्डिंग्स में होता है, वहां पे दर्जे होते हैं, दर्जे लेवल्स होते हैं। हाँ, तो वो लेवल में कितना फर्क है, आसमान और जमीन के, आसमान जमीन जितना। और कैसे दिखेंगे, जैसे चमकता हुआ सितारा दिखता है वैसे वो ऊपर के दर्जे के महल दिखाई देंगे। आपको कहाँ होना है, नीचे होना है ऊपर होना है? ऊपर। किसे नीचे बनना है फिर? नीचे वाले कौन रहेंगे आप सब में से? कोई भी जो ईमान नहीं रखते हैं। नहीं, ईमान वाले ही होंगे जन्नत में, ईमान वाले ही जा सकते हैं। कोई भी, लेकिन ईमान वालों में सब एक टाइप के होते हैं? नहीं, सबके सब सेम लेवल के होते हैं ईमान वाले? नहीं, कोई ज्यादा अच्छा होता है, कोई एक्टिव होता है, कोई ज्यादा कुरान पढ़ता है, कोई हिफ्ज करता है, कोई नमाज में आगे, कोई पीछे होता है ना लास्ट सफ, कोई होता है जो नमाज पढ़ने में गायब है। हाँ, वैसे भी लोग होते हैं, कोई होता है जो अम्मी बोल रहे हैं नमाज पढ़ो नमाज, अम्मी चाहते हैं कि आप ऊपर के दर्जे पे पहुंचो, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ से पहुंचने वाले हो? हाँ, मतलब अगर हैबिट नहीं बनने वाली नमाज पढ़ने की तो कल कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो मेरे बच्चों, यहाँ पे बहुत अहम बात है कि आपको पहुंचना है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह के दीन की दावत
और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।